हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल एवं नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोगों के सामने एक रिज़ल्ट लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये डॉक्टर सलमान ने मुझे रिज़ल्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ पर जिन शख्स का उन्होंने हिजामा किया था, उनकी स्थिति पहले ऐसी थी, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमल हेयर रह गए थे इनके सर पर, काफ़ी थिन हो चुका था इनका जो हेयर थिकनेस, बची नहीं थी बिल्कुल, हेयर बहुत थिन था। और यहाँ आप ये देख सकते हैं दोस्तों, क्लियरली इन्होंने ये दिखाया हुआ है अपनी पिक में। देखिए कितने कमज़ोर बाल इनके हो चुके थे, थिकनेस बालों की बिल्कुल भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर ये चार बार इन्होंने हिजामा कराया डॉक्टर सलमान से, ये अब आप थिकनेस देखिए बालों की, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये देखिए बालों की थिकनेस, ये चार बार इन्होंने जो है हिजामा करवाया है डॉक्टर सलमान से, और साथ में इनका जो लीच हेयर ऑयल है, दोनों के असर से कितने घने बाल इस शख्स के, इस पेशेंट के दोबारा से आए हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये दो सेशन बाद का है इनफैक्ट, और इसमें लीच ऑयल भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये अब तक कुल मिलाकर के चार सेशंस करवा चुके हैं। चार एकदम गजब के सेशंस इनके हुए हैं हिजामा के, ये आप देख सकते हैं। इनके बाल काफ़ी हद तक वापस आ चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ इनके बाल किस हद तक वापस आ चुके हैं। जिस शख्स के सिर पर बाल ना रहें और फिर एकदम से उसके बाल आ जाएँ, ये इनकी करंट पिक है, ये आप देख सकते, देखिए गौर से देखिए, देखिए कितने ज़बरदस्त बाल आए हैं इस शख्स के। आपको याद होगा नूर आलम का वीडियो मैंने ही डाला था अपने चैनल पर, लगभग वैसा ही रिज़ल्ट है इनका। ये करंट पिक है, ये देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये चार सेशंस के बाद का रिज़ल्ट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें हिजामा के साथ साथ इन्होंने लीच हेयर ऑयल भी यूज़ किया है डॉक्टर सलमान का। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशनड है, कंबाइंड विद आवर लीच ऑयल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों के गठजोड़ से कितना ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आया है। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ हिजामा क्लियरली मेंशनड है यहाँ। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी, और उन इस पेशेंट का मानना है कि लोग अब उनको नोटिस कर रहे हैं, उनके इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं। उनके सिर में जो ये बाल आए हैं, ग्रोथ रेट और डेंसिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इन्होंने इनफैक्ट एक मैसेज भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए छोड़ा है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगा, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में। मैं दोस्तों आप सब लोगों को एक बात से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, देखिए डॉक्टर सलमान जो हैं मिनिमम रेट्स पर हिजामा करते हैं, ₹50 पर कप जब आप अपना हेड शेव करा के आते हैं, जो कि एक नॉर्मल हिजामा प्रोसेस है, और दूसरा ₹100 पर कप जब ये मशीन से हिजामा करते हैं। दूसरा ये दोस्तों जो लीच ऑयल देते हैं वो ₹250 से ₹350 तक का होता है, वो आप इनसे जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो भी लीच ऑयल आपको जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जैसे 60 ml की भी आती है, 110 ml की भी आती है इनके पास में बॉटल जो है लीच ऑयल की, और ये खुद प्रिपेयर करते हैं उस लीच ऑयल को। तो ये बेसिकली दोस्तों हिजामा एक अपने लिए एक अवसर समझ के करते हैं, जैसे कि इनके धर्म में भी दिया गया है कि जो हिजामा है करना, वो इनके जो गुरु रहे हैं मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जो रहे हैं, उन्होंने बताया गया है, बहुत नेकी का काम है। तो इसलिए ये इस बात को जो है ध्यान में रख कर करते हैं। और मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मैं किसी से भी ₹1 मैंने नहीं लिया है। मैंने इनके वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे ये लगा कि ये प्रोसेस
लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ जो बालों से रिलेटेड जो वीडियोस में डालता जा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहे हैं, आप लोगों को बालों से रिलेटेड वीडियोस ही पसंद आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं ये अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ आप देखेंगे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, जो और बीमारियों से भी रिलेटेड है, जिसमें हिजामा बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, है ना। तो आप से मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को आप ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, और विश्वास करिए मेरा, मैं किसी से कुछ नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये वीडियो बना के डालने का मकसद ये है, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट मिला हिजामा कराने से, और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस से आप लोगों को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इस तरह की अगर कोई बातें करें, और यानी कि आप अगर कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ें, तो उन पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप हिजामा कराइए जाके, जहाँ से भी आपके समझ में आए। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से कराइए, आप दिल्ली आके कराइए, या आप किसी पर्टिकुलर क्लिनिक से कराइए, आपको जहाँ से आपको पॉसिबल लगता है आप वहाँ से कराइए। ये आप देख सकते हैं, ये शुरुआती इनका जो हाल था कितना बुरा, इसमें साफ आप देख सकते हैं कि डेंसिटी बिल्कुल नहीं थी बालों की, बाल ख़त्म होते चले जा रहे थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नए बाल आए हैं। ये देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की हेयर डेंसिटी कोई इंसान अचीव कर सकता है नेचुरली, जब उसके ज़्यादातर बाल जो ये बीच का जो हिस्सा है, जब ये बाल जा चुके हैं, तो इसके बाद में तो बहुत मिनिमल चांसेस रह जाते हैं कि ये बाल दोबारा आएंगे, है ना। तो यही चीज़ है, ये प्रोसेस है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से असर करता है। ज़रूरी नहीं कि आपके बाल एक या दो सेशन में आ जाएं, किसी किसी को 10 से 15 सेशन भी लग जाते हैं, किसी को दो सेशन में भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के प्रति। तो इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों को विदा कहना चाहूँगा, और धन्यवाद आपने इतने पेशेंटली इस वीडियो को भी देखा सुना, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार ऐसे भी आगे मिलता रहेगा। गुड बाय।